अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपका तारुफ जान सकता हूँ? मलिक ओन मोहम्मद मेरा नाम है, यूनस टाउन का मैं रहायशी हूँ, मस्जिद के पास ही मेरा घर है। माशाल्लाह सर, आज लेवल सेवन कम्प्लीट हो गया तर्जमा कुरान कोर्स का, तो आपने ये कब ज्वाइन किया था? मैं इस मस्जिद के साथ अप्रॉक्सीमेटली 2016 या 17 से अटैच हूँ, और आलमोस्ट जितने भी कोर्सेज होते हैं कोशिश की जाती है कि वो ज्वाइन किए जाएँ, पढ़े जाएँ, और उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो गेन किया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर इस कोर्स को अटेंड करने के बाद सर आप किस हद तक तर्जमा करना सीखे हैं? इसमें एक तो बेसिक अरबी का पता चलता है, आपका तलफ़ुज़ किसी हद तक ठीक होता है, और फिर तर्जमे के साथ साथ तफसीर में जो मुफ्ती साहब बयान करते हैं, प्रॉपर एक लेक्चर है जो एक घंटे का लेक्चर है, उसमें आपके कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होते हैं कि अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहा है और हमें इस दुनिया में भेजने का बेसिक पर्पज़ क्या है उसका, जो हमने फुलफ़िल करना। बेशक। अच्छा सर, इस कोर्स का आपकी अमली ज़िंदगी पे क्या असर हुआ है? अमली ज़िंदगी पे बेसिकली यही असर हुआ है कि जो हमारी रूटीन की डेली लाइफ है, जैसे आज का लेक्चर था, जैसे पहले वाले लेक्चर्स हैं, तो उसमें एक बेसिक कंसेप्ट भी करते हैं, मुझसे क्लियर करते हैं कि हम जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस दुनिया में आने का हमारा पर्पज़ क्या है, तो डेफिनेटली उन्हीं चीज़ों को हम जहन में रखते हैं, उसी के ऊपर ही अमल करते हैं, उसी के हिसाब से बेसिक सबसे बड़ा पर्पज़ ये है, एक नमाज जो है वो एक रूटीन से होगी, पहले हम नमाज कभी पढ़ लेते थे कभी नहीं पढ़ते थे, मेन पर्पज़ उसका ये है कि वो एक फ़ायदा ये हुआ कि नमाज 5 वक्त की स्टार्ट हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। अच्छा सर, इस अदारे के बारे में, इस अदारे के जो चेयरमैन साहब हैं हमारे मेजर शाह नवाज़ साहब, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तासुरात हैं, क्या पैगाम है? माशाल्लाह मेजर साहब की बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनका, और ये अदारा स्पेशली यूनस टाउन के रहायशियों के अलावा जो इसके सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, जहाँ पर नमाज के अलावा एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है जो हर किस्म की फ़िरकावारियत से भी पाक है। यहाँ पर आपको किसी किस्म की तो फ़िरकावारियत किसी भी जगह पर नज़र नहीं आती। दूसरा, फिर इस किस्म के जो कोर्सेज़ हैं वो आज की जो नई नस्ल है उसके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं, बेरा रवि है और बहुत सारे माशरे की इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस भी किया जाता है, और फिर मुफ्ती साहब हर तरह से टाइम भी देते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि गाइड भी किया जाए। माशाल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मुझे काइंडली बताइएगा कि आपका क्या पैगाम है हमारे नाज़रीन के लिए जो देख रहे हैं? मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि जो इस कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं वो उसको कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि जैसे मुफ्ती साहब ने पहले भी कहा है कि कोशिश करें कि अपने साथ 10 15 20 लोग और भी अटैच करें ताकि आपको भी उसका स्वाब मिले और उन लोगों को भी उसका स्वाब मिले और उनकी ज़िंदगी में तब्दीली भी आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। ये थे मलिक ओन साहब।